इंट्रोडक्शन सर कराएंगे, लेकिन एक आदमी जिसका मैं नाम जानता हूं, हो सकता है और भी है उसके साथ मेरे दोस्त, सतबीर सिंह. आई वॉन्ट वेरी बिग हैंड फॉर सतबीर सिंह. ही इज द मैन जिसने इस माला में धागे का काम किया. आज पूरा बैच साइंस सेक्शन, कॉमर्स के सेक्शन, हम तीन सेक्शन हम लोग इकट्ठे हैं. और सतबीर सिंह, जब 1977 में हम लोग अपने अपने फील्ड में निकले, तो आज थोड़ा सा इमोशनल है. हम लोग बड़ी खूबसूरत सी बात, ज्यादा हो, ज्यादा हो, थोड़े नहीं हो. बहुत खूबसूरत सी बात याद आई है कि दोस्त सारे पहले जैसे इकट्ठे बैठते थे, और फिर याद जब हमें आई तो वो कैसे आई साहब, चार लाइनों में अपनी बात कही. थोड़ा सा तुम बनाना चाहता हूँ जानते. तेरे आने की जब, तेरे आने की जब खबर आई, मेरे दोस्त आज साथ सारे लोग इकट्ठे हैं. अभी हम बहुत सारे लोग और आने वाले हैं, अभी पार्टी काफी देर चलेगी. और नाउ आई रिक्वेस्ट हरविंदर सिंह टू प्लीज कम हियर एंड he will share the mic with me. And now we will like to invite each one of us here and introduce, because I can appreciate that the teacher sahiban hai wo hum logo ki shakle hai, kyunki 40 saal ek bahut bada arsa hai aur wo hame pehchante. Kuch log mera to kuch taluq raha hai Anand sahab se, Gupta ji se, to is wajah se hum Gupta sir ko shayad mere ko nahi pehchante, lekin हम ये चाहेंगे कि एक एक करके हम लोग सब आए और अपनी अपनी बात बताएं. हेलो एवरीवन. हेलो. एंड वी आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग टुडे एंड आई प्रॉमिस यू फॉर दैट. पहले तो मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा. ऑल्दो भार्गव साहब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, क्योंकि इनकी बीवी आज आई नहीं है. सो मेरे लिए आज वो कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, बट नेवर माइंड. टुडे आई एम टेकिंग हर परमिशन. रोजी संजय हैज अराइव्ड. हाय. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. मेरे को लगता है कि 30 साल ही या 25 साल या 26 साल की उम्र से ही बच्चे लगभग बराबर हो जाते हैं कोई भी चीज शेयर करने के लिए, एंड सोशली एज वेल एज इन बिजनेस. लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी वी आर ऑलरेडी नॉकिंग आवर डोर्स बीइंग सीनियर सिटीजंस नॉट लॉन्ग फ्रॉम नाउ, लेकिन तब भी जब हमारे टीचर्स जब अंदर आते हैं तो हम सारे छोटे हो जाते हैं. With the respect given to my teachers by every one of us. Thank you very much. और उसको implement करना. For example, कि जब शायद ओलंपिक का या वर्ल्ड कप का हॉकी का मैच था, तो उन्होंने जो बीच की लॉन थी उसमें रेडियो लगा के
के माइक लगा के सबको कमेंट्री सुनाई, सारे बच्चे ग्राउंड में बैठ के कमेंट्री सुनी थी. दैट वाज 1975 वर्ल्ड कप ऑफ पाकिस्तान. दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग. आई स्टिल रिमेम्बर एंड मेनी ऑफ अस स्टिल रिमेम्बर. नाउ बिसाइड्स दैट, उसके बाद इफ यू रिमेम्बर हमारी केमिस्ट्री लैब में ओपन काउंटर सिस्टम स्टार्ट किया गया. कईयों का नहीं ध्यान होगा, ओपन काउंटर सिस्टम में क्या था कि कैंटीन से जो चने हम लेते थे प्रेम की कैंटीन से, वो चने वहां रख दिए जाते थे और साथ में सेलर कोई नहीं होता था. यू हैव टू कम लीव योर मनी एंड टेक दैट विद यू. भाई अपनी शराफत दिखाओ. दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स ही डिड. देन अदर थिंग, श्रमदान हमारे को उस टाइम पसंद नहीं आता था, लेकिन हिज आइडिया श्रमदान, जो बिल्डिंग बन रही है उसमें सारे बच्चों ने मिल के कुछ ना कुछ काम किया. देन वॉलीबॉल मैच बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. लुक एट हिम, कितने उनके दिमाग कहां तक चलते थे. फिर उसके बाद देर आर मेनी अदर थिंग्स विच मे आई बी मे बी आई एम बी फॉरगेटिंग, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई थी इससे ज्यादा. रोजी के बाद है लिस्ट. हाँ प्लीज प्लीज. हाँ जी राजीव बाबा, एक चीज देखो कि सर्दियों के दिन में ठंडा खाना खाते सब. हाँ यस, हॉट टेम्पर एक लगाया गया. हम लोग क्लास में आते थे, सब लोग ट्रेन के अंदर टिफिन रखते थे, दो बजे की ड्यूटी लगती थी, हॉट टेम्पर में जाके हम लोग खाना रख के आते थे. ऑनलाइन टाइमिंग में हमको मिलता था, घर वालों को खाना मिलता था. इस स्कूल में ही नहीं एंड द एंटायर टीम अलोंग विद हिम. एंड द एंटायर टीम अलोंग विद हिम, यस नो डाउट. एंड नाउ आई थिंक नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर नरेश बाबा टू प्लीज कम. सर सबसे पहले तो आपके हेलो. हाँ जी सर, मैं आपके बारे में क्या शब्द कहूँ अपने में टीचर्स के बारे में. ये उस जमाने के टीचर है जिस जमाने में कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते. आज की डेट में बच्चे जो है वो एक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनको पास कराने का जिम्मा, उनके 90% लाने का जिम्मा वो शर्मा कोचिंग सेंटर का होता है या फिर अग्रवाल ट्यूशन सेंटर का होता है. टीचर्स का जिम्मा नहीं होता. मुझे याद है उन दिनों एग्जाम हमारे होते थे और शहर रात को नींद इनकी उड़ी होती थी. अब अगर मैं डिस्कवरी की भाषा में कहूं तो ये वो जाति है जो लुप्त हो चुकी है. ये जाति लुप्त हो चुकी है और इन्होंने अपना पूरा झोंक दिया. आज मैं जो कुछ हूँ, कहते हैं कि हर आदमी की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मेरी औरत का भी है. बट लेकिन जब तक वो औरत मेरी लाइफ में आई तब तक मैं सीए बन चुका था. उसका क्रेडिट श्री जानंद जी को, श्री एम एल गुप्ता जी को जाता है और एम डी गुप्ता जी आपको और सीधे. उन्होंने हमारे में नींव रखी, इन्होंने हमारे में नींव रखी. इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि भय बिनु प्रीति नाही, भय बिनु प्रीति नाही, तुलसीदास जी ने कहा है. लेकिन बिलीव करिए, उन्होंने कहा है, ठीक है, उन्होंने एक सेंस में कहा है कि जहां पर भय नहीं होता वहां पर एक रिस्पेक्ट भी नहीं होता. लेकिन इनके केस में मैं अपना बता रहा हूं, इन्होंने कभी हमें कभी भय भी इसलिए नहीं होने दिया, कभी इन्होंने हमें डिस्करेज नहीं किया. अगर हम भयभीत होते तो शायद हम इनसे प्रश्न पूछ ही ना पाते. इन्होंने हमें एनकरेज किया, कभी भयभीत नहीं किया. जब भी मौका लगा इन्होंने हमारे पीठ पे आकर हल्के से पीछे से एक थप्पड़ मारा हल्का सा और वो एनकरेज किया कि जा बेटा तू और क्वेश्चन पूछ मेरे से, और क्वेश्चन पूछ, जितनी तेरी हिम्मत है. शायद हम हिम्मत हार गए क्वेश्चन पूछते पूछते. आप लोगों ने जो हमें दिया है वो हम उसके ऋणी है, वो हम नहीं उतार सकते. इन्होंने अभी कहा कि हंसराज मॉडल स्कूल, आज हंसराज मॉडल स्कूल की बैलेंस शीट पे बिल्डिंग से लैंड से सब कुछ होगा. उस समय हंसराज मॉडल स्कूल की बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में थे तो आप लोग थे. हंसराज मॉडल स्कूल की बैलेंस शीट के
एसएफ साइड में श्री एम एल गुप्ता जी थे, श्री अनंत जी थे, श्री सुभाष गुप्ता जी थे, श्री एम डी गुप्ता जी थे, श्री आर के सेठी जी थे। लेकिन सर एम एल गुप्ता जी जानते हैं बैलेंस शीट का नियम है कि एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल बराबर होगा, तो शायद लाइबिलिटी साइड पे हम थे। जब ये एसेट्स हमारे से दूर हो गई तो हमारे को दूसरी एसेट्स मिली जो पीछे बैठी हुई है, फिर हमने एक्सपेंड किया। सर मेरी आदत है, मैं ना एक जगह में कितना भी हूँ मैं बीच में फालतू बकवास करता रहता हूँ, तो वो फाइल और मुझे कोई माइंड नहीं करे। स्कूल से बोल दूंगा सर, जब हमारी फेयरवेल पार्टी थी तो हमारे प्रिंसिपल श्री टी आर गुप्ता जी ने काफी बातें कही थी, लेकिन कुछ चीजें याद रह जाती हैं। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में आप जिंदगी में कदम रख रहे हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा कोई सिर्फ अकाउंटेंट ही रह जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा कोई शायद टीवी मैकेनिक ही रह जाएगा, कोई आईएएस बनेगा कोई शायद बाबू रह जाएगा। जिंदगी में कहीं भी जाना कुछ भी बनना एक ख्याल रखना, मुझे अभी तक ज्यादा सोचने की बात, अपने अंदर हीन भावना मत आने देना, बड़ी गहरी बात कही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मत आने देना। और मैंने उनको उन्होंने कहा चाहे जिंदगी में कुछ बनो ना बनो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मत आने देना। मैंने उनकी दोनों बातें फॉलो की, ना जिंदगी में कुछ बना ना अपने अंदर हीन भावना आने देना। तो सर मैं कुछ ज्यादा फोन किया मैं, ठीक है सर, आपके आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार देगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छा खा कमा रहा हूँ। कईयों को तो मार के दे रहा हूँ, कईयों को बचा के भी दे रहा है। सर टीचिंग एस टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कई प्रोफेशनल पैदा करता है, कई प्रोफेशनल करते हैं। आपके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ सर, आपने अपना पूरा हमें दिया, पूरा झोंक दिया आपने आपको, शायद इसीलिए 40 साल हो गए चाह कर भी हम आपको भुला नहीं पाए, अगर चाहते भी सही तो ना भुला पाते आप। और सर ये 40 साल अभी इसके फिक्र हो रहा था कि हम लोगों को इकट्ठा करने का, सर आज के युग में लाइफ इतनी मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है, किसके पास फुर्सत है कि पीछे मुड़कर देखे और 37 साल पुराने दोस्तों को इकट्ठा करे। 40 नहीं, मैं तो 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले मिले। तो सर ऐसे 37 साल पुराने दोस्तों को इकट्ठा करना और पुराने टीचरों को बुलाना, ऐसे उजूल फजूल ख्याल दो लोगों के दिमाग में आते हैं। वो दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो वो सरदार होता है या फिर वो आदमी होता है जिसमें सरदार वाला पैशन हो। तो एक तो सरदार है सरदार सुखबीर सिंह, और आज की सर जो आज की जो पूरा खुराफाती जो ख्याल आया कि 40 साल हमें मनाने चाहिए सेलिब्रेट करने चाहिए, वो आदमी सरदार है या नहीं है इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई छोड़ रखी है कि वो है सरदार ही, लेकिन अपने आप को वो भेष बदला हुआ है, उसने भेष बदला हुआ है एंड ही इज अ अजीब पुराना। मुझे इस पे पूरा शक है कि ये सरदार है, क्योंकि सर ऐसा पैशन सर आज की डेट में हर आदमी आगे बढ़ा जा रहा है, आगे सोचता है, अरे पीछे क्या लेना देना मैंने मुझे जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया था, यही सोच हो गई है सर आज सबकी। लेकिन नहीं, अनग्रेटफुल होना सर कृतघ्न होना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या जरूरत है, मेरा मतलब आपसे सब निकल चुका है। लेकिन नहीं सर, ऐसे जिंदगी नहीं चला करती। जो अनंत साहब ने जो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब
पढ़ाई की बात नहीं पढ़ाना वो पढ़ाई की बात है सर पढ़ाई सर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आपने क्या फॉर्मूले पढ़ाए आपने क्या डबल एंट्री पढ़ाई एमडी गुप्ता जी ने क्या मुझे फिजिक्स के लाभ पढ़ाए आई डोंट रिमेम्बर मैं सिर्फ इतना याद करता हूँ आप लोगों ने जो इंस्पायर किया इंस्पायरेशन आप लोगों की डॉक्टर प्रवीण भाटिया डॉक्टर साहब अभी आपका जिक्र हो रहा था अभी 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 आपका जिक्र करूंगा मैं फिर दोबारा उसमें थोड़ा सा सॉरी लेट हो गया सर मैं अभी कह रहा था डॉक्टर साहब वो भी मैं बात कर रहा था कि फेयरवेल पे हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि जिंदगी में कुछ भी बनना इन्फिनिटी कम्प्लेक्स मत आने देना शायद आपको याद होगा उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था उन्होंने ये कहा था अभी इनके आने पर मुझे वो बात याद आ गई उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कोई इंजीनियर बनेगा कोई शायद टीवी मैकेनिक बन जाएगा कोई आईएएस बनेगा कोई बापू बन के रह जाएगा लेकिन आप नजर कम्प्लेक्स मत आने देना टी आर गुप्ता जी की नजर बड़ी पहनी थी उन्होंने प्रवीण भाटिया की ओर देखा और देखकर कहा जिंदगी में कोई डॉक्टर भी बनेगा और फिर मेरी ओर देख के कहा जिंदगी में कोई पेशेंट भी बनेगा तो कम्प्लेक्स मत आने देना मैंने अपने अंदर कम्प्लेक्स नहीं आने दिया एंड ओवर टू प्रोसीड टू गुड इवनिंग फ्रेंड्स अरे जब जोर की तारियां बजाओ यार कमाल बात नहीं करूंगा प्लीज बिकॉज मेरी बीवी मुझे हमेशा दो मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देती है अच्छी से राइट नाउ एंड हमेशा मुझसे यही कहती है कि लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बोलते हो मेरे साथ क्यों नहीं बोलते तो मेरा आंसर यही होता है कि बोलने के पैसे मिलते हैं तुम ले लेते हो तो इस करके मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे ज्यादा मुझे पैसे देगा नहीं लेकिन क्योंकि फेवरेट पार्टी की बात आ रही है तो मैं एक बात जरूर याद करता हूँ और उसको मैंने पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में और बड़े बड़े सेशंस में मैंने हजारों बच्चों के सामने भी यूज किया और सीनियर्स के भी यूज किया है अपना फेयरवेल टाइम एंड द प्रिंसिपल साहब से बच्चों सिर्फ फोटो ही अच्छी नहीं होनी चाहिए फ्रेम भी अच्छा होना चाहिए मैंने ये बात गांठ बांध दी कि यार सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होगा मेरा मतलब ये था अब ऑलराउंडर बनना चाहिए तो आई वेंट टू कॉलेज एंड आई डिसाइडेड आप नहीं टॉप करना बट फर्स्ट ईयर मेंटेन करेंगे बट ऑलराउंडर बनेंगे बट लेट मी टेल यू 14 इयर्स लेटर व्हेन आई मेट प्रिंसिपल साहब एंड आई सेड सर आपकी बात मुझे आज भी याद है इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड पिक्चर इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड फ्रेम एंड दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल आई सेड लाइफ इज ऑल्सो टॉट मी समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट It is important to have a good picture. It is important to have a good frame. But where do you put the frame? You have a good picture, you have a good frame. Ulta karke rakho, piche rakho, almari ke andar band kar do. Kisi ko dikhao nahi to baat banegi nahi. Kyunki ye zamana hai, jo dikhta hai, wo bikta hai. And it is important that we must showcase whatever we know. And this is the credit I want to give to the school. And now let's proceed further with our... Before I proceed further, alright, our basic purpose is to introduce all of us. Now, before I'll ask, because... Just a moment. Rajiv, aap apne baare mein bataein, sir, log baithe hain. Main apni bata deta hoon. Dekhiye ji, aapke pass hone ke baad, main aapke school ke nikalne ke baad, main... कॉलेज के बाद मैंने लॉ करी उसके बाद मैं वकालत की और आज वकालत में ये प्रोफेशन जो ऑफर कर सकता है वो मेरे को मिला है आप लोगों का आशीर्वाद के साथ और अभी आई थिंक दिस इज द टाइम भाई सर के टू इनवाइट आवर टीचर्स टू प्लीज कम हियर एंड जस्ट व्हाटएवर कुड बी पॉसिबल अ लिटिल ऑनर टू यू प्लीज मिस्टर गुप्ता कम डॉक्टर मार लो
Praveen, can you just come, please? Sure. Rajesh, pass in that. Sir, this is representation from the three sections A, B and C. तो A, B, C section के तीनों में से अलग अलग लोग आपको मना करेंगे और coincidentally आप तीन लोग ही आ जाए हैं. Yes, that's Arvind. He is generally known as Big Brother, but I call him Don also. Boss speech होगा. हाँ नहीं मुझे बीच में नहीं यार. प्रवीण भाटिया टू मिस्टर आनंद एंड नरेश टू मिस्टर एम डी गुप्ता सर. एंड अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम अवर रिस्पेक्टेड टीचर्स. And we have, हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन हमारे को पता है आप मतलब की बात करोगे. और मैं मुझे परमिशन दें, ये काफी भारी है. प्यारे बच्चों. वेल सेट सर. प्यारे बच्चों. वेल सेट. आप ये वीडियो ने प्रोग्राम रखा, मैं बुलाया, बहुत बहुत बधाई. आजकल इस जमाने में अपने बच्चे नहीं सोचते कि कहाँ पापा है, कहाँ कौन है, और आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो. ये तो साक्षात्कार निष्काम कर्म योग का उदाहरण है. कोई सकाम नहीं इसमें, निष्काम कर्म है. मैं तो कुछ बातें छोटी मोटी कहूंगा. 1972 में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, 1972 में डॉक्टर जी एस दत्ता चेयरमैन थे और टी आर मुखर्जी प्रिंसिपल थे फुल फ्लैश. उनकी एक ही पीड़ा थी, हमारा स्कूल मैरिट में आना चाहिए. और मैं भी बहुत ज्यादा बुलंद था उन दिनों. भगवान का एक पैगाम था, आप माफ करना, मैंने बैंक बहुत बरसाई लेकिन ये नहीं देखा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का, सभी को बराबर पीटा. जब मौका मिला कुछ अलग थी, कोई रास्ते मिल गया रास्ते में ठोक दिया उसे. और बच्चे उस प्रसाद में लेके बड़े खुश होते थे, कभी रिएक्शन हुआ ही नहीं. शरीफ आदमी थे सर. सारे शरीफ हो चाहे कुछ हो, सब बराबर चित होते थे. तो उन्होंने कहा बच्चा मैरिट में आना चाहिए. देखो जीएल दत्ता चेयरमैन और फिजिक्स के चेयरमैन, फिजिक्स सब्जेक्ट पर. मैंने कहा दी अगर आप बच्चे मैरिट में चाहते हो जीएल दत्ता किताब हटा दी. कौन सी लगाएगा? मैंने कहा चौधरी की किताब है, इसे दिखा लो आप, इनकी किताब हटा दो. और बोर्ड से प्रिंसिपल की बात उठता नहीं हटा दे. ठीक है, कई चैलेंज थे, क्या बातें करें. आपने तो देखा कि 1972 में 3-3 घंटे मीटिंग लेते थे, पूरा पाठ पढ़ाते थे और वो भी 2 बजे के बाद, छुट्टी के बाद. कोई टाइम नहीं होता. और इसमें ये बात ठीक कही भाई, खुराना ने भेष बदल रखा है इसलिए कि उस बैच में सिर्फ ही लड़का था जो मेरिट में आया था. हम प्रवीण भाटिया पर बहुत भरोसा करते थे. डिसअपॉइंटमेंट हुई, मार्किंग्स की बाद में इम्प्रूवमेंट हुई, तो इनका भेष बदलना ठीक था. जब भारद्वाज जी ने मुझे बताया कि कहते पहचानते भी आजकल तो काउंटेनेंस बदल गया आपका, उस स्टेज से अब तक था. तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो बच्चे होते हैं. लेकिन एक बात मैं आपसे आखिरी कह रहा हूं, जिंदगी मिली हम इंसान है, ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है, दोनों इसमें भोग हम भोग रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है. और ये आपने भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हो, कर्म योनि भी है.
जो कि बाद में कई बैठकों को समझ नहीं आएगी। अच्छी बात, आज तक सारे के सारे ऐसे हो गए। देखो डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। आज कल आप देख रहे हो अखबार में उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया, फलवान से है वो है, आप देखो डेली अखबार में न्यूज़ ये होता है, उसने उसको किडनैप कर लिया। क्यों है? इसलिए है कि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आप अपने बच्चों को झांक के देख लो, आप ही करता धरता हूं, आप अपने मार्ग से अगर टिक गए बच्चे नहीं। भूलो मत इस बात को, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब डिस्प्लिन में चलती है, सब डिस्प्लिन में, समुद्र है, सब डिस्प्लिन में। अगर आप डिस्प्लिन में नहीं, आपके बच्चे डिस्प्लिन में नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, धर्म को मत भूलना, सत्य और धर्म एक ही बात है। धर्म से टिक गए तो चले गए खत्म, सत्य से बिछड़ गए तो गए खत्म। सत्य और धर्म एक ही बात है, आप इससे विचलित मत होना। अगर गरीबी है तो भी आपको बहुत आनंद आएगा, अमीरी है तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन सत्य से बहुत ज्यादा मत। धर्म दोनों बहुत जरूरी है। जी आर गुप्ता जी ने बहुत कुछ सीखा, समय नहीं आप कहेंगे इस बारे में। मेरे स्टूडेंट सब जब भी मिलते हैं मुझे, एक बार इनको बड़ी याद आती है और मैं बहुत हंसता हूँ। ये सब ये कहते हैं सर आपने बहुत बार कहा, और मुझे ये याद आता है कि मैंने इनके लिए बहुत मेहनत करी। अब हमारी बीवी हमसे ट्यूशन लेना चाहती है। मैं बहुत मेहनत करी कि ये बच्चे बहुत अच्छे बन के जाएं, ट्यूशन नहीं करी, इसलिए नहीं करी कि इन बच्चों को फ्री पढ़ाएं। मुझे याद है मेरे बहुत ऐसे बच्चे थे जो संडे को स्कूल में आ जाते थे और मैं उनको फ्री पढ़ाया, और मैं ये भी नहीं सोचता था कि मैं इतनी दूर से आता हूँ, मैं अपना किराया खर्चता हूँ, मैं इन बच्चों को ऐसे क्यों पढ़ाऊँ। लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी की, अपना एक बहुत दिल से, कोई व्यय से नहीं, मेरा दिल बहुत अच्छा था। ओवर सेमेस्टर इसलिए था कि मैं चाहता था कि ये बच्चे कुछ बन जाए। मैथ्स जो है वो बेस है सब सब्जेक्ट्स का, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके, इनको सब पढ़ा के अच्छा बनाओ। इन्होंने बने भी, डिस्टिंक्शन भी सबसे ज्यादा, बड़े बड़े स्कूलों से कंपटीशन करके भी सबको मिला के, सब हंसा मॉडल स्कूल के डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज। और मुझे ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता था, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों ने मेरे साथ मिलके बहुत मेहनत की, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड। ये नहीं कि मैं अब मेहनत नहीं करता, मुझे 10 साल हो गए रिटायर, मैं प्रिंसिपल रिटायर हुआ डीएवी से, उसके बाद में भी आज जो मैं मैथमेटिक्स की हालत देखता हूँ ऑल ओवर द कंट्री, उसमें मुझे एक ही बात नजर आती है कि टीचर की कमी है अगर बच्चे वीक हैं। और आजकल के टीचर्स, मुझे जेंडर वाइज नहीं हूं मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर टीचर्स लेडी टीचर्स हो गई, जिनके पास टाइम ही नहीं है घर में कि वो घर में बुक्स खोल के देखें और बच्चों को पढ़ाएं। ज्यादातर इस वजह से सारी कंट्री जो है इसकी मैथमेटिक्स की हालत बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा बच्चे मैथमेटिक्स से डरने लगे। लेकिन मैथमेटिक्स ही, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सीए और इवन अब बायोलॉजी में जो हायर स्टडीज है, लाइफ साइंसेज में, सब में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आ गया। और ये बच्चे और ये जो आपका एमबीए, बीबीए, एमसीए, इन सब में मैथमेटिक्स उतना ज्यादा आ गया जो हमने एमएससी में पढ़ा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं अभी भी उन टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, उन लेडी टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, जिनको आप हंसेंगे अभी भी, मैं थोड़ा सा हंसाना भी चाहता हूँ कि 1, 2, 3 भी नहीं आता लिखना। आप हंसोगे कि ये कैसे हो सकता है कि 1, 2, 3 नहीं आता। तो मैं आपसे अभी भी, क्योंकि आप बहुत बड़े हो गए, डॉक्टर्स भी हो गए, बिजनेसमैन भी हो गए,
हमारी जो है स्टूडेंट्स की वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी होगी। मैं इनसे थोड़ा सा आज मजाक करना चाहता हूँ सबसे, और ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितनों को गिनती आती है? सर डिमोनेटाइजेशन के बाद सब खराब हो गए, सब खराब हो गया। देखो मैं अभी भी ऑल ओवर इंडिया, मैं मद्रास, बॉम्बे, इधर पांडिचेरी, बहुत दूर दूर तक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ आज, और स्कूलों की कंसल्टेंसी भी करता हूँ। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि आप लोगों ने सबने 1, 2, 3 सीखा, मुझे जरा लिख के तो दिखा दो। आप बिलीव करोगे मुझे आज तक एक भी टीचर 10 साल में एक भी टीचर ऐसे नहीं मिली जिसको 1, 2, 3 नहीं लिखता। और मैं उनको ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि 1 के बाद हम 2 क्यों लिखते हैं, 2 के बाद 3 क्यों लिखते हैं, 3 के बाद 4 क्यों लिखते हैं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, तब मुझे भी नहीं आता। लेकिन उसके बाद में मैंने पढ़ा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, राइट? तो मैं आपको आज बताता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ जाके मजाक करना, अपने टीचरों के साथ भी, जो बच्चों के टीचर्स हैं उनके साथ भी मजाक करना। ये 1, 2, 3 हम इनको आजकल जो है सो कॉल्ड कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये ठीक है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि वी हैव ड्रॉन दीज नंबर्स फ्रॉम द नेचर। ये आप सोचो, आप सारे जन सोचो, ये मिस्टर दिनेश भी बैठे हुए, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे थे स्कूल में, प्रवीण, मिस्टर प्रवीण जी, ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आज तक, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट भी। इनके साथ एक हरविंदर और भी थे सरदार जी, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत। मिस्टर धर्मारा है, वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 1, 2, 3 का जो है ये कैसे आया और हमने कहाँ से ली। अब ये देखो, जब इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं तो इसका मीनिंग है कि 1 जो है कहीं नेचर से ही आया होगा। ये सारे न्यूमरल जो है नेचर से लिए। 1 हमने लिया लॉग ऑफ द ट्री से, जो ट्री का जो मेन तना है, ये स्टेट है, वी हैव बोरोड फ्रॉम देयर। 2 जो नंबर है शेप, 2 की शेप जो है वी हैव टेकन इट फ्रॉम डक। 3 की जो शेप है वी हैव टेकन इट फ्रॉम द बटरफ्लाई। 4 जो है, आज आप दो लोग घर में बैठ के डिस्कवरी देखते हैं, वो देखते हो गए कि वाइट मैन एंड वुमन डिस्कवरी चैनल में, उसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर किलिंग फिशेस, एक बांस तोड़ते हैं, उसमें डंडा लगा देते हैं, नोजल्स बना के फिश गिरते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट था। 4 हमने वहां से लिया। 5 हमने लिया हाफ ऑफ द कश्मीरी एप्पल। 6 हमने लिया, 6 एंड 9, 6 हमने ले लिया, ये हमने जो लिया ये व्हाइट मशरूम से लिया एक्चुअली, लेकिन कुछ हिस्ट्री की बुक्स में, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री बुक्स में ये आता है कि 6 जो था इट वॉज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, और 9 वॉज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। के अभी भी हम कहते रहे हमारे डॉलर देख लो, तो 6 हमने वहां से ले लिया। 8 ले लिया हमने बैक ऑफ द रैबिट से। ये न्यू नॉलेज मैं आपको देना चाहता था क्योंकि मैंने नहीं सीखी। एक और, ये 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में क्यों लेते हैं हम? पहले 1 क्यों लिखते हैं, पहले 9 क्यों नहीं लिखते? ये आप लोगों के लिए भी नॉलेज है। मैंने कोई, जब मैं प्रिंसिपल था तो तब एक बच्चे ने क्लास में एल के यूकेजी में पूछा था, तो तब मैंने बहुत सर्च करने के बाद में, 1 साल के बाद में मुझे कम से कम ये मैंने ढूंढा कि ये हम ऐसे क्यों लिखते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जब ऐसे लिखते थे इसके ऊपर एक एंगल बनता, जब 2 ऐसे लिखते थे तो इस पर 2 एंगल बनते, 3 ऐसे लिखते तो 3 एंगल, और आजकल ये सारी जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये गूगल्स में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो उसमें है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमरल्स, गूगल खोल के उसमें देख सकते हो। तो ये मैं कहता हूँ इसकी ये सारे साइंटिफिक चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को पास ऑन करें। सो थैंक यू वेरी मच। और वैसे जब सर समझा रहे थे 1, 2, 3, 4 मेरे को तो याद आता 1, 2 का 4 फिर पूछ रहे थे कि ये 6 कहां से आया, 9 कहां से, मेरे को बॉटल
69 में याद आ गई बैट 69 सर वेरी गुड मिस हैमिल थैंक यू बहुत ही हार्ड मीनिंग आप लोगों ने आयोजन किया है जिस समय मैंने स्कूल ज्वाइन किया इनकी और हमारी इतने ज्यादा अंतर आपको नजर नहीं आता होगा टॉप टू बाई डॉटर्स ज्यादा अंतर नहीं हमारी उम्र में इनकी उम्र में यही एक कारण है कि इनकी और हमारे बीच में ज्यादा अंतर नहीं व्हेन आई ज्वाइन आई वॉज 20 फ्रॉम शिमला व्हेन आई लेफ्ट My uncle, I joined the Hansraj Model School. I was hardly 20 years old. And they were all 16. So hardly a matter of 4-5 years. That's all. So आज भी जो है ये कह रहे हम कि उस एज में पदार्पण कर रहे हैं और हम उसमें पदार्पण किया है hardly I'm only 62. And I think they are 55, 56, 50. तो ज्यादा अंतर नहीं था ज्यादा अंतर नहीं बता रहे हैं कि बहुत पिटाई करते थे मैंने पहली बार क्लास में जब आगे पिछले क्लास में बाहर बच्चे ने कहा था क्योंकि देखिए जब हमने ज्वाइन किया ठीक बताया बिल्कुल में दैट वाज नोन एज रेंसिड हंसराज मॉडल स्कूल मतलब जिसका एडमिशन कहीं नहीं होता था उसका एडमिशन उठा के हंसराज मॉडल स्कूल में कराया जाता था दैट वाज द स्कूल वेयर वी ज्वाइन और पहले रिजल्ट के जैसे उसने बताया ये कहा जाता है कि वी वांट मेरिट एंड आई एम हैप्पी वन ऑफ दैट आई हैड टू मेरिट्स इन माय सेकंड बैच And I always told, हमेशा ये कहा इनको कि बेटे पढ़ना है तो पढ़ के नौकरी नहीं करनी हमेशा बी प्रोफेशनल्स और बी एंटरप्रेन्योर अब मैं यही टेस्ट करना चाहता हूँ आज में से कितनों ने उसको फॉलो किया कितने नौकरी कर रहे हैं और कितने आज नौकरी दे रहे हैं आई वॉन्ट द पीपल हु कैन गिव नेवर डू दिस डू आर दिस विच आई हैव टॉल्ड देम स्वयं भी फॉलो किया है स्कूल के बाद प्रिंसिपल प्रिंसिपल का दावा मैंने इंटरव्यू रहना है माय ओन स्कूल दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट व्हाट सो यू वांट टू गिव यू हैव योरसेल्फ फर्स्ट तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ मैं खुशी है देख करके इनके चेहरे इनके जो जो कुछ इन्होंने अचीव किया है वो इनके चेहरों से नजर आता है और इनके पीछे आप लोग इनकी फोर्स है ये हमारी असेट्स थे लाइब्रेटरीज थे गलत बता रहे ये हमारी असेट्स थे जिन्होंने हमें दिया और हमारी जवानी का राज भी सिर्फ यही है इन्होंने हमें हमेशा खुश रखा बहुत बड़ी जानकारी है वो सब कुछ कंप्यूटर पर अवेलेबल है उस समय नहीं अवेलेबल थी ए से लेकर जेड तक पढ़ाने की इम्पोर्टेंस उस टाइम थी आज नहीं है आज हर बच्चा जो है कंप्यूटर बोलता है जैसे बताया गूगल पर अवेलेबल है तो एक ही बात बता देते हैं गूगल पर अवेलेबल है सर्च इट आउट एंड फाइंड दैट्स ऑल लेकिन हमारे लिए उसकी बोलने की आदत है बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा थैंक यू थैंक यू बिफोर वी प्रोसीड फर्दर अभी मेरे को हुक्म हुआ है और मेरे को हुक्म हुआ है लेकिन वो 40 साल पुरानी बात भी याद आ गई क्योंकि सुभाष आनंद साहब अपना पीरियड खत्म करने के बाद भी हमें रोक के मार पीट के दोबारा पढ़ाते थे तो वो एक बात अभी फिर से दोबारा कहना चाहते हैं तो मैं एक बार सर एक क्वेश्चन मैं सारों को एक चीज बड़ी अच्छी बताना चाहता हूँ जो कि आप बहुत हैरान हो गए जब मुझे पता लगे कोई 5 साल पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आप सबको पता है गुप्ता जी जो है फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर्स में गिने जाते थे लेकिन एक इनका स्वभाव हमें तब पता लगा था कि जब इन्होंने गुरुजी की एक किताब लिखी थी और हम लोग बहुत हंसा करते थे कि ये किताब लिखी गुरुजी ने बहुत इनको डांटा कि सारी किताब गलत लिखी लेकिन मैं आज आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ कि आज इन्होंने कुछ साल पहले एक 16 ईयर्स लगा के जो इन्होंने गीता के हमारे गीता है उस गीता को लिखा इन्होंने उसको पूरे संस्कृत में ट्रांसलेट किया संस्कृत को पढ़ा उसमें हिंदी में उसकी पूरी ट्रांसलेशन की और उसके बाद में ये मंत्र उच्चारण कैसे करते और उसकी पूरी ग्रामर संस्कृत की पूरी ग्रामर ये इन्होंने किताब लिखी है और आजकल कुछ ये 5 सितंबर को हम टीचर्स को अवार्ड देते हैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है समय सोसाइटी ऑफ एजुकेशन एक्सप्रेस उसमें हम सब टीचर्स को एक एक गीता प्रेजेंट करते हैं एज अ अवार्ड तो गुप्ता जी भी कुछ इनके पास गीता है
अगर आपको कहीं अपने बर्थडे पे या अपने बच्चों के बर्थडे पे डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो गुप्ता जी से मुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। महीने में चार पांच बार ही सपना आता है। मैथमेटिक्स का एग्जाम था, पहली बात तो पढ़ के कुछ और पूरा फॉर्मूले नहीं, पसीने से हो जाते हैं। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ।